So good morning. End error mein there were two things to be understood. One, agar wire ki length exactly 100 centimeter nahi hai, to aap galti kar rahe hain kyunki aap balance length L consider karke the other length is being considered 100 minus L. To agar total length 99.8 bhi thi, to ye hona chahiye L aur dusre wala hona chahiye 99.8 minus L. So wahan pe problem thi. सेकेंड जो आपको बताया जो स्ट्रिप्स हम यूज करते हैं उन स्ट्रिप्स को ब्रॉड इसलिए बनाया गया है ताकि उनके रेसिस को नेग्लिजिबल किया जा सके बट इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कभी वो नेग्लिजिबल ना भी हो और हम उसे नेग्लेक्ट कर दें सो दैट इज बेसिकली एंड एरर उस एंड एरर को जो सेकेंड टाइप है उसको ओवरकम करने के लिए आप क्या करते हैं रेसिस्टेंसेस को इंटरचेंज करके फिर से लेंथ निकाल के और जो अननोन रेसिस्टेंस है उसके कोरिस्पॉन्डिंग दोबारा से जो 100 माइनस एल की लेंथ आती है अब उन दोनों लेंस का मीन कंसीडर करते हो दैट गिव्स यू द राइट आंसर सो दैट वाज इट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी सिंपल टॉपिक व्हिच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीबीएसई एज वेल एज कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं शुरुआत वहां से करता हूँ कि इस टॉपिक की जरूरत ही क्यों पड़ी चलिए आप मुझे आंसर करके बताएं देखिए जरा अगर मान लीजिए ये एक सेल है और इसके साथ ये इंटरनल रेजिस्टेंस है ठीक है ईएमएफ हम ई लिखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर लिखते हैं तो ई और स्मॉल आर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर करने के लिए अगर आप यहां पे वोल्ट मीटर लगा दें सपोज आप यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा दें तो मुझे कोई बताएगा कि एग्जैक्ट आपको मेजरमेंट क्या मिलने वाली है यहां से यहां दोनों टर्मिनल्स ए और बी के बीच में आप क्या मेजर कर पा रहे होंगे V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हाँ श्रेया बोलो बोलिए श्रेया E माइनस IR हाँ V विल एक्चुअली बी इक्वल टू E माइनस IR I क्या है करंट किस पे डिपेंड करेगा वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर हो वोल्ट मीटर हो एमीटर हो ये सभी अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो ऑफर करते ही हैं यहाँ पे वोल्ट मीटर आपने यूज किया तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस भी कुछ ना कुछ होगा उसके बेसिस पे करंट आएगा और तब जाके ईएमएफ तो मैं हर किसी को फिर बोल रहा हूँ ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आज हम करने जा रहे हैं तो आप लोगों को अटमोस्ट केयर के साथ करना है ध्यान से सुन लीजिए अगर हम एक सेल के टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहें तो अभी तक पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है दैट इज कि ठीक है सर एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं क्योंकि वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देता है तो जैसे ही ऐसा करते हैं तो वी कितना आता है वी कम्स आउट टू बी ई माइनस आई आर आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो आपने वी मेजर किया दैट विल बी लेस देन ई अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस क्योंकि कुछ ना कुछ आई आपके पास होगा तो अब ये तो प्रॉब्लम हो गई यार सिर्फ यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है आप और समझने की कोशिश कीजिए किसी सर्किट के अंदर कहीं पर एक रेजिस्टेंस है सिंपल कैपिटल आर ठीक है ये मैंने सर्किट का कोई एक पार्ट ले लिया और इस रेजिस्टेंस में से आई करंट फ्लो कर रहा है आपने चाहा कि आप वोल्ट मीटर यूज करके और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लो तो आप फिर से एक वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लगाओगे ये लगा दिया ये वोल्ट मीटर फिर से आपको कुछ रीडिंग देगा तो इस बार सोच के बताओ क्या वो आपको एग्जैक्ट आई इंटू आर की रीडिंग दे पाएगा क्या हमें एग्जैक्टली वी इज इक्वल टू आई आर मिल पाएगा यहां पे यस तो क्यों नो तो क्यों करें आंसर हैंड रेस करके बताएं शाबाश कि क्या यहां पर एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस मिल पाएगा बोले तो व्हाट वन कैन अंडरस्टैंड और थिंक हियर अभी यहां पे मैंने आपको बताया कि वोल्ट मीटर वुड बी हैविंग सम रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है ठीक है द सेम थिंग इज वैलिड हियर एज वेल वोल्ट मीटर हैज गॉट सम रेजिस्टेंस आप सोचिए ना जब आप जैसे ही यहां पर कोई डिवाइस लगाएंगे रेजिस्टेंस लगाएंगे तो क्या ये कुछ करंट इधर से पुल नहीं करेगा जैसे ज्यादा होगा तो करंट कम होगा इतना ही फर्क पड़ेगा ना तो जो आई एक्चुअली जाना था वो रिड्यूस कर जाएगा आई रिड्यूसेस ड्यू टू वोल्ट मीटर
जैसे आपने वोल्ट मीटर लगाया तो इस आई की वैल्यू एक्चुअली पहले से रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि जो वोल्टेज मेजर्ड होगी इट विल बी लेसर, वोल्टेज मेजर्ड विल बी लेसर, वो कंपैरेटिवली कम होगी। अब ये परेशानी सामने आ गई कि आप कभी भी कहीं पे भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हो, आपने वोल्ट मीटर जैसे यूज किया बेस्ड अपॉन इट्स रेजिस्टेंस, उसमें कुछ करंट तो ड्रॉ किया, भाई कहीं पे भी जो भी करंट ये वोल्ट मीटर ड्रॉ करेगा उसकी वजह से हम जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में प्रॉब्लम आएगी, वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। हाँ, हैंड रेस किया हुआ अन्वेश और श्रेया ने, आप कुछ कहना चाहते हैं? श्रेया सर, तो हम आइडियल वोल्ट मीटर क्यों नहीं यूज कर सकते? हाँ, ये भी बात बोल देता हूँ। श्रेया ने कहा कि आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल का मतलब बताओ पहले श्रेया, आइडियल वोल्ट मीटर आपके अकॉर्डिंग कैसा होगा, क्या होगा उसमें? सर, वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो करंट उससे पास नहीं होगा। चलो ये बात करते हैं। एज शी सेज, आइडियल वोल्ट मीटर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट मतलब बहुत ही ज्यादा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो बिल्कुल सही कह रही है। अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो उसमें से करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, बट ये सिचुएशन एक्चुअली आइडियल ही है। दिस इज जस्ट एन आइडियल सिचुएशन। जस्ट थिंक ऑफ, आप प्रैक्टिकल लाइफ में अगर एक वोल्ट मीटर बनाने जाओगे तो उस वोल्ट मीटर के अंदर आप ऐसी चीजें यूज करोगे जिनका रेजिस्टेंस होगा, राइट? आप उससे उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे, नो डाउट। पर इस सिचुएशन में भी जब आप वोल्ट मीटर यूज करते हैं तो ये वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ करंट तो ड्रॉ करता है, ठीक है? इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे आप ओपन सर्किट यूज नहीं कर सकते, इट वुड डेफिनेटली ड्रॉ सम करंट। एक्चुअली क्या होगा, मैग्नेटिज्म में ना आप गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे तो वहां पे टॉपिक आएगा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर। मैं यहाँ पे एक बहुत ही आसान तरीके से आपको एक बात समझा सकता हूँ। देखो जरा, क्या आप जानते हैं कि वोल्ट मीटर का जो डायल होता है उसके अंदर जो निडल होती है वो जीरो पे रहती है शुरू में, मानते हो? जीरो से ऊपर उठ के आएगी तब तो वो रीडिंग देगी ना आपको, यस और नो? वोल्ट मीटर के अंदर ये आगे जाके तो रीडिंग देगी ना आपको। अब सोचो ना, आगे कैसे जाएगी, कौन लेके जाएगा? ये जो डिफ्लेक्शन आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? तो बस मैं यहाँ पे आपको स्टार मार्क करके ये बोल देता हूँ कि डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इन वोल्ट मीटर, इन वोल्ट मीटर इज ड्यू टू करंट, इज ड्यू टू करंट। उसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो वही तो आपको डिफ्लेक्शन देगा। अगर करंट ना फ्लो करे तो डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, और अगर करंट फ्लो करेगा तो आपको एक्चुअल रीडिंग नहीं मिल पाएगी। क्या श्रेया, क्लियर हुआ ठीक से आपको? यस। ठीक है, बाकियों के लिए फिर से बता देता हूं मैं। देखो ध्यान से, हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस समझा रहा हूं कि वो क्यों पढ़ना पड़ा, हमें क्यों बनाना पड़ा। हम जब भी एक सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं तो वहां पे दिक्कत आती है कि वो करंट फ्लो करने की वजह से लेस देन ई हो जाता है। हम किसी सर्किट का कोई छोटा सा पार्ट उठा लें, देखो कोई बल्ब है, कोई इवन स्टेबलाइजर है, एलईडी है, कोई भी चीज है, उसका अपना एक रेजिस्टेंस तो है ना। जब उसके अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट करके पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने जाओगे तो कुछ करंट तो वोल्ट मीटर को ड्रॉ करना पड़ेगा। हालांकि आइडियल वोल्ट मीटर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, बट जो ये डिफ्लेक्शन चाहिए आपको, डिफ्लेक्शन इन वोल्ट मीटर इज ड्यू टू करंट, तो वो कुछ तो करंट ड्रॉ करेगा डिफ्लेक्शन देने के लिए। दैट इज वाई यहाँ पर जो रेजिस्टेंस करंट जाना था वो करंट की सप्लाई कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम हो जाएगी, जिससे कि आपको जो वोल्टेज वहां पे मेजर होगी दैट विल बी लेसर देन द एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस दैट यू वर सपोज टू मेजर। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज एग्जैक्टली ही यहाँ पर है, जो ये क्वेश्चन श्रेया ने पूछा था ना, इसका इलाज एग्जैक्टली यहाँ पर है। अगर हम एक ऐसा डिवाइस बना पाए जिससे हम मेजरमेंट तब ले पाए जब डिफ्लेक्शन ना हो, तो सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस? सॉल्यूशन इज to use a device, to use a device or instrument which reads potential difference,
when no deflection is shown. No deflection is shown. That is no current flows through, no current flows through the part of circuit, the part of circuit across which potential difference is to be measured. Across which potential difference is to be measured. Difference is to be measured. ठीक है ना? अब दिमाग में ये तो आ गया ना कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है. सो देखते हैं कैसे बनेगा. कि ये प्रॉब्लम तो इसी वजह से आ रही है कि जब डिफ्लेक्शन यूज करोगे तो जैसे ही आप डिफ्लेक्शन यूज करने की बात करते हो तो वो तो करंट लेके आएगा. तो अब एक ऐसा डिवाइस बना लिया जाए कि जो मेजरमेंट ही तब करता है जब उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आती. तो इसका सॉल्यूशन हमें क्या मिला? पोटेंशियोमीटर. द सॉल्यूशन डिवाइस इज पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर तो ये इंपॉर्टेंस है. पोटेंशियोमीटर तब मेजरमेंट करता है जब उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती. यानी कि ये आपको एक्चुअल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देता है. आई होप ये बातें आपको ठीक से समझ आई. सो ये मैंने आपको बताया कि क्यों जरूरत पड़ी और क्या सोच के ऐसा डिवाइस बनाया गया. ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में. क्या है पोटेंशियोमीटर? इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस बेस्ड अपॉन नल डिफ्लेक्शन. तो पोटेंशियोमीटर क्या है? इट्स अ नल डिफ्लेक्शन बेस्ड डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स. इट इज अ नल डिफ्लेक्शन बेस्ड डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट. ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, मुझे ध्यान आया, अरे जो भी आपकी प्रीवियस क्लासेस हुई है लास्ट वीक में, उसके नोट्स शेयर नहीं हुए हैं. तो काइंडली रुचिका, आप वो नोट्स मुझे भेज देना. आयशना, आप भी भेज देना. आई जस्ट सी लाइक जो, हाँ, जो ज्यादा बेटर होंगे मैं फिर वो शेयर करूँ. तो देखिए, पोटेंशियोमीटर इज अ नल डिफ्लेक्शन बेस्ड डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल ड्रॉप भी बोल सकते हैं, अक्रॉस टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, अब देखते हैं आगे. अब इसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है ये, और एक्चुअली है क्या? जैसे स्लाइड वायर ग्रिड्स. हाँ, एक चीज यहाँ पे एड ऑन कर देता हूँ स्टार मार्क करके. इट में ऑल्सो बी यूज्ड टू कंपेयर रेसिस्टेंसेस. ये एंड में बताऊंगा. दो रेजिस्टेंसेस को कंपेयर करना, तो उसके लिए पोटेंशियोमीटर को यूज किया जा सकता है. और जैसे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की बात करी, उसमें आप इसका यूज जो है ना, दो ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए भी कर सकते हैं. मैं लिखता जाता हूँ, इट मे ऑल्सो बी यूज टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल्स, ईएमएफ ऑफ से टू सेल्स. ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली. अब आपने सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ा था ना, अगर वो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो भी हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प लेते हैं. इट मे ऑल्सो बी यूज टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. तो वन लास्ट टाइम कि क्या क्या यूज थे. पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, उसके पॉइंट से आप ईएमएफ तो मेजर कर ही सकते. यू कैन कंपेयर द रेजिस्टेंसेस, जैसे यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली लिखा, एक यूज बड़ा ही डिफरेंट सा आता है. इट मे बी यूज टू कंपेयर रेजिस्टेंसेस. इट मे ऑल्सो बी यूज टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स.
इट मे ऑल्सो बी यूज टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये सारे काम ही करेगा। पहले समझते हैं धीरे धीरे ये है क्या। तो ये बेसिकली सिर्फ एक वायर है और उस वायर को कनेक्ट किया जाता है बैटरी से, बैटरी थ्रू ए रेजिस्टेंस या रियोस्टेट आप बोल सकते हैं, कुछ करंट उस वायर में से फ्लो करवाती है। पहले ये ज्ञान की बात है, ध्यान से सुनना फिर बनाएंगे। भाई एक वायर थी, उस वायर के अक्रॉस आपने एक बैटरी लगा दी, उस बैटरी में से के साथ आपने कोई रेजिस्टेंस भी लगा दिया करंट को कंट्रोल करने के लिए। तो अब करंट इस वायर में से जब पास करेगा तो ऑब्वियसली वायर का कुछ तो रेजिस्टेंस है, वायर का रेजिस्टेंस है, उससे करंट पास करेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना। तो वायर के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप तो ये बैटरी करवाती है, ठीक है। आप अब क्या करते हो, इस सर्किट के पैरेलल में वो पार्ट यूज करते हो जिससे जिसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें। तो पहले बात करें पोटेंशियल ड्रॉप को लेके इसके प्रिंसिपल की। आप सोचिए V क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, आई इंटू आर, आर क्या होता है रो एल बाय ए, है ना। तो V इज इक्वल टू आई इंटू रो एल बाय ए। तो करंट को कांस्टेंट कर दो, रेजिस्टिविटी मटेरियल की कांस्टेंट रहती है अगर आप ऐसा मटेरियल पिक कर ले जिसमें टेम्परेचर के साथ कोई खास वेरिएशन ना हो। वही जॉकी का कॉन्सेप्ट यहाँ भी आता है कि तो वायर के ऊपर जॉकी को ऐसे प्रेस मत करो हार्ड, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉससेक्शन भी सेम रहता है जिससे पोटेंशियल ड्रॉप बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ये है इसका बेसिक प्रिंसिपल। देखिए जरा, पहले तो लिख दीजिए बेसिक प्रिंसिपल या सिंपली प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल यूज करते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए पीस ऑफ वायर, अक्रॉस ए पीस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, टू द लेंथ ऑफ वायर कीपिंग, मतलब कंडीशन है कीपिंग क्या चीज सेम रखो, करंट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कीपिंग करंट फ्लोइंग थ्रू इट, कीपिंग करंट फ्लोइंग थ्रू इट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन constant and area of cross section constant. Potential drop across a piece of wire is directly proportional to length of the wire, keeping current flowing through it and area of cross section constant. देखते हैं कैसे इसको mathematically मैं यहां state कर देता हूं। हम जानते हैं as V is equal to I into R, it can be written as I into rho L by A, ठीक है सीधी बात। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं rho, I और A, ये तीन पैरामीटर्स अगर कांस्टेंट रह जाए तो V becomes directly proportional to L. तो V becomes directly proportional to L if current and area are constant. इन दोनों के बारे में ज्यादा बात इसलिए कर रहा हूं कि रो की टेक केयर तो आप वैसे ही कर लेते हो एक ऐसा मटेरियल पिक करके जिसकी जिसके लिए टेम्परेचर कॉफिशियंट और रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होता है। यहां चौथा स्टार मार्क करके लिख देता हूं, वायर इज मेड ऑफ एलॉय राइट, सो दैट रेजिस्टिविटी यानी रो हैज ऑलमोस्ट नो डिपेंडेंस ऑन इसपे टेम्परेचर, हैज ऑलमोस्ट नो डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो अब सोचो ये फंडा है सिर्फ मेजरमेंट का कि पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ओनली। तो याद करो जैसे आप स्लाइड वायर के अंदर लेंथ मेजर करके काम चल जाता था, R by S is equal to L upon 100 minus L, बहुत आसान हो जाता था ना प्रैक्टिकली। ऐसे ही यहाँ पे भी होने वाला है,
कि आप एक लेंथ मेजर करोगे और उसी से बस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। लेकिन आप एक बात समझ सकते हो, अगर मैं वी प्रोपोर्शनल टू एल लिख रहा हूँ तो अल्टीमेटली क्या लिखूंगा, वी इज इक्वल टू के टाइम्स एल, के इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिख दें v इज इक्वल टू के एल, वेयर वेयर द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वेयर द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी प्रोपोर्शनैलिटी इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, is known as potential gradient, ऐसे देखो k को लिखोगे तो क्या बनेगा, potential upon length, I hope everyone of us knows कि gradient क्या होता है, जिसमें physical quantity का gradient निकालना हो तो उसके change को length से divide करते हैं, और I hope everyone of you also know कि भाई यहाँ पे v जो है, v is not potential, it is basically the potential difference that we are measuring. तो पोटेंशियल डिफरेंस को लेंथ से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट बन गया। सो दैट वाज इट। तो एक एक चीज को अच्छे से समझते जाओ, मैंने आपको प्रिंसिपल पूरा एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें जो के है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। अच्छा हाँ एक बात और देखें, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, देखना अगर आप इज इक्वल टू के लिखो तो यहाँ से जो के बना वो बेसिकली किस किस के ऊपर आ गया, आई रो बाय ए, एक तरह से देखा जाए तो ये इन सब चीजों के ऊपर, जिसको कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कांस्टेंट। तो एक वायर के लिए ये कांस्टेंट रहने वाला है, इसलिए हमने इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है डन। अब इसमें एक बार अब सर्किट डायग्राम देखते हैं जो प्रिंसिपल के लिए हमें बनाना था, देखिए मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जाए, ये ना बेसिकली एक वायर है, तो एक सिंगल वायर भी बना सकते हैं। अभी बस इतना बता देता हूँ कि जितनी ज्यादा लंबी वायर यूज करोगे आपकी मेजरमेंट उतनी ही अच्छी आएगी, ये बाद में पूरा क्लैरिफाई कर दूंगा। अब इस तरह के समझो कि वायर आप जितनी लॉन्ग कंसिडर करेंगे, ये यहाँ पर क्या है, अब एक वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे करके इसे वापस घुमा लिया, ठीक है, यहाँ तक वापस लिया सेम लेंथ, अब यहाँ से फिर घुमा दिया इधर की तरह और फिर वापस ले। तो देखो जो लेंथ मैं कंसीडर करने वाला हूँ वो एक सिंगल लाइन की फॉर्म में ना यूज करके फोर डिफरेंट लाइंस बना दी, तो इससे ओवरऑल लेंथ आपने बढ़ा। ये है बेसिकली जो अभी तक बनाया ना मैंने पोटेंशियोमीटर, बस यही है कि एक वायर है और कुछ नहीं है। अब इसके दो टर्मिनल्स बना दिए मैंने, सपोज अपर टर्मिनल को ए बोल देता हूँ और लोअर टर्मिनल को बी बोल देता हूँ, ठीक है, ए और बी। अब इसे एक करंट प्रोवाइड करने के लिए आपको एक बैटरी यूज करनी पड़ेगी, तो आपने सपोज यहाँ पे लगा दी ऐसे करके एक बैटरी, ठीक है, ये बैटरी। अच्छा बैटरी तो लगा दी पर साथ में ना करंट को कंट्रोल करने के लिए आपको एक रेजिस्टेंस तो चाहिए रहता है, तो वो रेजिस्टेंस में साथ साथ यहाँ बना दे। आप ऐसे करके एक वेरिएबल रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम, This is a variable resistance. ठीक है, यहाँ चाहो तो करंट मेजरमेंट के लिए आप एक एमीटर भी शो कर सकते हो, बट जब आप एमीटर शो करते हो ना तो वहां पे एक बात का ध्यान रखना होता है कि एमीटर का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। एमीटर इज अ पोलर डिवाइस जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अगर आपको ध्यान हो तो एक रेड कलर की नॉब होती है, एक ब्लैक कलर की नॉब होती है, रेड और ब्लैक जिसमें ये नॉब्स मिलती है ना, उसे बहुत ध्यान रखना होता है कि करंट, क्योंकि देखो ना ऐसे समझना मेरी तरफ से कि निडल ने ऐसे उठना ऊपर की तरफ, अगर करंट की डायरेक्शन आपने सही ली तब तो निडल ऐसे ऊपर उठेगी, और अगर करंट ऑपोजिट कर दिया, मतलब रेड में एंटर होना था ब्लैक से निकलना था ऐसा होना था, तो ये आपको रीडिंग मिल लेती, लेकिन अगर ब्लैक से एंटर हो गया और रेड से निकल गया तो ये निडल तो ऑपोजिट में जाने की कोशिश करेगी, ये नीचे जाने की कोशिश करेगी तो टूट सकती है। सो दिस Sometimes happens, जिसने एमीटर गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर वगैरह में ठीक कनेक्शन ना किए हो, गैल्वेनोमीटर को तो छोड़ दो, एमीटर और वोल्टमीटर में ठीक कनेक्शन ना किए हो, तो उसको ये प्रॉब्लम आती है कि निडल ऊपर जाने की बजाय वापस पीछे की तरफ जाती है, तो ये कनेक्शन बहुत सही तरीके से करना ही पड़ता है आपको। तो देखते हैं, दो एंड्स मैंने डिफाइन किए ए एंड बी,
उसके बाद यहाँ पे मैंने ये सब डिवाइसेस लगाए अपनी मेजरमेंट कंप्लीट करने के लिए, इसे मैं बी लिख देता हूँ। अब देखो करंट कहाँ से निकलेगा, यहाँ से करंट बाहर जाएगा, घूम फिर के यहाँ से एंटर करेगा वापस। तो दिस पार्ट इज पॉजिटिव, दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव, क्योंकि एक पोलर डिवाइस है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ईएमएफ ई लिख देता हूँ और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अलग से शो नहीं किया। आप अगर आइडियल बैटरी कंसीडर करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, बट इट मे बी कंसीडर, नॉट ए प्रॉब्लम। मैं जब ये बेसिकली प्रिंसिपल समझा रहा हूँ तो उसको अवॉइड करो। ठीक है भाई, अब क्या होगा देखो ध्यान से समझना। आपने एक सर्किट कंप्लीट कर दिया, इसको की तो मैंने दी नहीं, की तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, नहीं तो सर्किट हमेशा ही चलता रहेगा। तो ये ध्यान रखना होता है कि की आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पे की लगा देता हूँ, This be the key. ठीक है, ये आप प्लीज करेक्शन कर लेना की आ गई। अब जब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, यहां से देखो ऐसे करके पूरी वायर में से करंट फ्लो करके आ गया, की अगर ऑन है तो इस पूरी वायर की जो लेंथ है हम ऐसा मानते हैं उसी के अक्रॉस एक पर्टिकुलर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। वो पोटेंशियल ड्रॉप अगर मैं इस रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करूं तो वेरी करेगा, ये जो आर है, अगर मैं इसे कम कर दूंगा तो करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ जाएगा। कहाँ पे बढ़ जाएगा, इस पूरी वायर में पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ जाएगा। तो इस पोटेंशियल को कंट्रोल करने वाले पैरामीटर्स क्या क्या है? नंबर एक, वायर की नेचर। अगर उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो यहाँ से करंट कम आएगा, राइट? करंट कम आएगा लेकिन रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग वो मिलके एक पोटेंशियल ड्रॉप को डिफाइन करता है। यहाँ से ये रेजिस्टेंस मैं जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा करंट कम होता जाएगा, इसे कम करता जाऊंगा तो करंट बढ़ता चला जाएगा। तो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस इन सब पैरामीटर्स के ऊपर होते हैं, जैसे मैं यहीं पे इंक्लूड कर देता हूँ। आपको ध्यान है सेमीकंडक्टर का क्या होता है, जब सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है तो बताए जरा, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने पर उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? एनीबॉडी कैन रेज हैंड। सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? हाँ श्रेया बोलो। सर डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा, तो हाँ ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बढ़ जाते हैं। अगर आपको ध्यान हो, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बढ़ जाते हैं जिससे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो ये क्या करेंगे, क्वेश्चन ऐसा बना देंगे कि भाई हमने तो यहाँ सेमीकंडक्टर लगा रखा है, अब बताओ क्या होगा। तो सेमीकंडक्टर लगा रखा है तो भाई मुझे बेसिक पता है, जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होने के साथ साथ उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, यानी उसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। कम होगा तो करंट कम होने की बजाय क्या होगा, यहाँ बढ़ेगा, करंट इंक्रीज होता जाएगा, ये प्रोसेस है। ठीक है, अब बेसिक प्रिंसिपल जो मुझे यहाँ बनाना था वो क्या है, देखो भाई जहां पर आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर रखा है उसे हम क्या बोलते हैं, जीरो एंड बोलते हैं। तो ए बेसिकली क्या है हमारे लिए, जीरो एंड है, जहां से हम मेजरमेंट करना शुरू करते हैं। अब देखिए जीरो एंड से आपने एक वोल्ट मीटर और कनेक्ट कर दिया, सपोज एक वोल्ट मीटर लगा दिया। अब इस वोल्ट मीटर को उठा के यहाँ रखा, ये क्या है, जॉकी, क्योंकि यहाँ पे तो क्या चलेगी, जॉकी चलेगी ना। तो आपने सपोज एक वोल्ट मीटर के साथ जॉकी लगा के और यहाँ पे टच कर दिया और ये वाली लेंथ आपको मिल गई एल। तो भाई सीधी बात है, एल बढ़ाते जाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्टली बढ़ता चला जाएगा। तो ये इसका सर्किट डायग्राम बनाया जाता है प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं फिर बोल रहा हूँ क्या है ये, हमने सारा डिस्कशन किया कि इस वायर में होने फ्लो करने वाले करंट को कौन कौन सा पैरामीटर कंट्रोल कर सकता है, और जब एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट होगा तो वी बेसिकली किस बात पर डिपेंड करेगा, छोटी लेंथ तो कम रेजिस्टेंस, ड्रॉप भी कम, लेंथ बढ़ा दी तो करंट तो वही है लेकिन लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गया जिससे पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ गया। यानी अब जो दिमाग में बात चल रही है ना वो बाकी सारे पैरामीटर्स को छोड़ के सिर्फ किस पे अटक गई है, लेंथ पे अटक गई है। लेंथ मेजर करो, वी मिल जाता है। क्यों मिल जाता है भाई, क्योंकि इसके लिए आपने के पहले से मेजर करके रखा हो। तो के अगर आपको पता हो तो बस लेंथ मेजर करी और वी इज इक्वल टू के एल, नई लेंथ मेजर करी एल टू, वी इज इक्वल टू के टाइम्स एल टू, ऐसे करके मेजर। तो किसी को यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रिंसिपल समझ ना आया हो तो ही और शी कैन रेज हैंड, पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आ गया तो मैं इसमें जो प्रॉपर यूजेज है उसकी तरफ बढ़ता हूं।
देखिए वर्किंग पे चलते हैं इसके। कंस्ट्रक्शन फिर मैं बोल रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन आप खुद से लिखेंगे, उसमें बताना ही कुछ नहीं है कि इट इज सिंपली अ वायर, वायर ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज। लार्जर दी वायर बेटर इज दी सेंसिटिविटी। चलो एक लाइन लिख लो यहाँ, कोई बात नहीं। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर इज बेसिकली ए वायर मेड अप ऑफ एन एलॉय such that more the length of wire better is the sensitivity। better होने का मतलब क्या है? accuracy ज्यादा आती है। ये मतलब छोटे से छोटी भी मेजरमेंट कर पाएगा। लीस्ट काउंट समझते हो ना, लीस्ट काउंट कम होगा।